मैं मौजूद हूँ विधानसभा कांट के अगवानपुर गांव में, क्योंकि आपसे वादा किया था हर गांव हर शहर जाकर जनता का मूड बचाने की कोशिश करेंगे कि आगामी अगले साल 2022 के चुनावों को लेकर जनता के बीच क्या कुछ माहौल चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सियासी जंग छुट जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सियासी घमासान चालू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां जुबानी जंग खेल रही हैं एक दूसरे के बीच, और इसी बीच मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव की पार्टी ने कहा है, यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और साथ में ही पहली कैबिनेट मीटिंग में नौकरियाँ। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने 5 साल विकास किया है और आगे भी हमारी सरकार आएगी। तो पीछे देख सकते हैं गांव के सभी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके घर तक विकास पहुंच पाया है या नहीं, जिस बात की भारतीय जनता पार्टी डंका बजा रही है कि हर घर विकास किया है और फिर से विकास करेंगे अगले 5 सालों में। तो इनसे जानते हैं इनका मूड क्या है, उनके बीच क्या माहौल चल रहा है। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद रफी राम। क्या कहेंगे, हर घर विकास पहुँच पाया है? इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, रोजगारी सब खत्म हो गई, कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। हम ये चाहते हैं कि सरकार नावे इससे बेहतर अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने 5 साल बेमिसाल गुजारे हैं और फिर से विकास करेंगे ना। हमारे इसमें कोई किसी को विकास नहीं मिला, ना कोई किसी को सहायता मिली है। सब बेकार आदमी है, मजदूर आदमी परेशान है, इस परेशानी में सब आदमी परेशान है। इससे सरकार के बदलनी चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है? ना, मेरा नाम तो अमीर अहमद। क्या कहेंगे, विकास पहुँच पाए आपके घर तक? ना, हमारे घर तक नहीं पहुंच पाया, कहीं नहीं पहुंच पाया, हमारे मोहल्ले में भी ना पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाया ना। योगी जी तो कह रहे हैं बहुत गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं। ना, हमारी कोई मदद नहीं की है। चलिए और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे, विकास आया? जी, मैं ये कह सकता हूँ क्या, बस विकास कुछ नहीं है, रोजगारी के लिए बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। इससे तो बढ़िया अखिलेश की सरकार थी, उसमें हमें राशन पानी मिले करता, सारे काम हमें सुविधा थी, और वे सलावा कुछ नहीं कह सकता। वो तो कह रहे हैं देखिए राशन मिल रहा है घर बैठे लॉकडाउन में, मिल लिया है, मगर ये है कि वो बात नहीं है कि जैसे कि हम रोजगार से बिल्कुल बेकार है, कोई हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब बताओ कहाँ तो लोग पाले, कोई परेशानी यही है कि कोई करने वाला नहीं, कुछ नहीं, उधर रोजगारी नहीं, कुछ नहीं, बेकारी में ही है, बस यही कहते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार, क्या माहौल है? बस सही है, जो भी हो रहा माहौल, जो भी सरकार में है ठीक ही है, बस ये। योगी जी को फिर से देखना चाह रहे हैं या बदलाव चाह रहे हैं? बस बदलाव चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि बस सब देश सही रहे और सब बढ़िया रहे। अब बढ़िया नहीं है क्या? हाँ बढ़िया, तो कह रहे हैं कि हमने तो बढ़िया कर रखा है। हाँ सही है, सब ठीक है, जैसा क्या कहेंगे, सही चल रहा है, चला रहे हैं योगी जी? हमारे तरफ से तो सही है। हाँ सही है, 2.5 लाख दे दिया एक कॉलोनी के, और किसी 200 गरीबों के मकान नहीं बनते, मकान बन गए उनके, हमारे हिसाब से योगी जी बढ़िया आज, बिल्कुल बढ़िया है। फिर से आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, फिर से भी आने चाहिए। बस ये है कि जो महंगाई है, हम लोग किसान हैं सब, हम लोग डीजल से हम खेती करते हैं अपनी, डीजल हमारा सस्ता होना चाहिए, हमारी यही डिमांड है योगी जी से कि थोड़ा हमें सपोर्ट करें, किसानों को सपोर्ट करें, बाकी कोई इशू नहीं है, बढ़िया है, सरकार अच्छी चल रही है। आप लोग किसान है तो किसानों को 8 महीने हो चुके हैं लगभग बैठे हुए, तो क्या कहेंगे? तो इसमें कुछ सपोर्ट जो करनी है सरकार को हमारी, वो किसानों तक पहुँचाएं। ये मसला योगी जी का थोड़ी है, तो मोदी जी का मसला है बेचारों का। अरे योगी जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। वो है, मगर है तो वो यहाँ सबका, वो मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी करेंगे उसको, तो हमारे लिए तो योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश संभाल रखा है योगी जी ने। हाँ क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश संभाल रखा है योगी जी ने? कुछ नहीं संभाल रहा, ये तो कह रहे 2.5 लाख कॉलोनी के मिले ना, हमारे मिले हैं, एक आध को मिल गया हूँ क्या हो रहा है, एक आध को मिल गया हूँ क्या हो रहा है, सबको थोड़ी मिले हैं, एक आध को मिल गए होंगे, बोल रहे हैं 150 आई भी, कम से कम 250 का मेरे ख्याल से कई सौ कॉलोनी आई भी है अगवानपुर के अंदर, किसी को तो मिले, गरीबों को तो मिले हैं वो। हाँ। भला तो हुआ, अपनी अपनी सोच है ये। हाँ, भला तो हुआ क्या? अरे भला हुआ, रोटी के लिए बताओ ना कितनी नौकरी दी। हाँ। क्या करा ये बताओ ना। हाँ। महंगाई जो है थोड़ी, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मेन मुद्दा है महंगाई, ये कम होनी चाहिए बस, महंगाई, रोजगार, ये जो है ना कंट्रोल होना चाहिए, मकान कंट्रोल होना चाहिए, तो बाकी योगी जी का काम बढ़िया, हमें तो बढ़िया लगा योगी जी का। तो आप चाहते हैं फिर से आए? बिल्कुल, हम तो योगी जी को वोट देंगे जी, फिर से योगी जी चाहते हैं, क्या ठीक है, चाहते होंगे भैया। हाँ, इन्हें अच्छे लगते होंगे, इन्हें मकान दे दिए दो तीन मकान दे दिए होंगे मैडम इन्हें। अरे हम क्या करना, मकान करना चाहिए ना, हमें नहीं मिला और कोई मिला है, विकास अच्छा हुआ अगवानपुर में, ये जो कॉलोनी आई 2.5 लाख, इसमें से 2 लाख रुपए तो मकानों में लग गए, 50,000 उन्होंने ले लिए, जो कोऑर्डिनेटर थे बीच में उन्होंने मार दिए, बाकी विकास आया है, विकास और हुआ है। हाँ विकास हुआ है, हमारी कॉलोनी बनी है ना, हमारी कॉलोनी औरों की बनी है,
किसका विकास हुआ? हमारा ही हुआ। हमें नहीं मिली, आप कह रहे हैं हमें नहीं मिली तो विकास किसका? सही बात है मैडम, काफी लोगों का विकास हुआ, मालदार लोगों का हुआ, गरीब लोगों का थोड़ी हुआ विकास, मालदार लोगों का हुआ विकास, तो गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, अमीरों का विकास, अमीरों को जो एजेंटों के रिलेटिव थे हाँ। उनका ज्यादा विकास। अभी तो आप कह रहे हैं कि कॉलोनी, मगर कॉलोनी जो भी हाँ। भरी गई है उन्हीं को ही भरी गई है हाँ। जो जो यहाँ के सभासद थे, जो उनके रिलेटिव थे उन्हीं की सपोर्ट हुई है, बाकी जो गरीब है सरकार जब भी सरकार बात करती है कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो वो हो पा रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा मैडम, कुछ नहीं हो रहा, परेशान है सारे लोग, काम वाम नहीं है सबका, बात बड़ा दिक्कत चल रही है, कारोबार डाउन हो गया बहुत, इनके कहने की कोई बात नहीं है, इनसे कॉलोनी से इससे कोई काम थोड़ी चल गया है, रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए, सब खुशहाल रहना चाहिए, कम से कम ये तो हो ना, अब इनसे थोड़ी काम चल गया, कॉलोनी दे दी उसे गले में थोड़ी डालना है, लोग खुश रहे हैं मस्त रहे अपना ठीक, तो राशन बाकी तेल वेल कहाँ से आएगा मैडम ये बताओ, भाई निकालते हैं पहले ही 100 रुपये लीटर से ज़्यादा पेट्रोल चल गया इस टाइम, डीजल के दाम देखो आप। तो क्या लग रही है आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार तो साइकिल की सरकार है, साइकिल की सरकार है पूरी, साइकिल की सरकार आएगी तो विकास होगा, हाँ हाँ हुआ ना है, हाँ। पता सब लोगों को पता, अगर हुआ है तो फिर जनता ने क्यों नकार दिया था? नकार दिया हो सकता है, ये ज्यादा करते हैं इसलिए कह दिया लोगों ने, बोले देख लो ज्यादा कहीं करा नहीं, आधा भी नहीं करा इन्होंने, देखो सही नहीं, ज्यादा की बात छोड़ो, आधा भी नहीं करा मैडम, क्या सब पता है क्या कहने, उन्होंने विकास करा कहा था? नहीं किया, नहीं किया कुछ भी विकास, कह रहे विकास के नाम पर फिर से वोट मांगेंगे, बात वोट मांगो उन्हें वोट ना मिलेगा, क्या कहा था योगी जी का काम पसंद आ रहा है? हाँ मुझे मालूम है, सीधा चलिए इधर की साइड बात करेंगे आप, क्या नाम है? नसीम, क्या कहेंगे विकास पसंद आ रहा है? विकास बिल्कुल ही पसंद ना है, हमारी मेन चौराहे पे बीच चौराहे पे छप्पड़ पड़ा, यानी कि अधिकारी भी साथ जाते हैं, आज तक कॉलोनी क्योंकि या किसी चीज की सुविधा ही ना मिली तो काहे की, क्यों मतलब मोदी जी काहे के अच्छे हैं आप ये बताइए, विकास पब्लिक को क्या चाहिए, विकास और मोहब्बत और वो चाहिए, विकास नहीं हुआ कुछ नहीं, तो योगी जी कह रहे हैं विकास क्या है, फिर से विकास करेंगे 5 साल, वो तो जनता को मारने के लिए खड़े हुए हैं, क्या बनवा दें, क्या फर्क पड़ गया, कुछ आपके बनवा दें कुछ अगले को बनवा देंगे, काम तो हुआ ही है बस्ती में, तुम्हारी ना बनी मेरी बन गई, काम हुआ है बस्ती में, तुम क्या काम करते हो, कितना काम मिला तुम्हें करने के? मैडम बात सुनो आप, दिन भर ये पत्थर देखा है वो 1200 रुपए का, इस पे बैठे दो दिन भर, कौन सा काम करते हो बताओ मैडम? हमें तो मजदूरी करनी है योगी, हमें दिन में करते हो रात में, हमें तो करनी मजदूरी है, समझ गए आपने, ना तो अखिलेश दे खाने को, ना दे योगी जी खाने को, करेंगे मजदूरी नहीं आप ना, महंगाई तो मत करोगे, 100 रुपए लीटर तेल और जी का नाम ले, मेरे मेरे चाचा सरसों के तेल के दाम देख रहे हो, 90 रुपए का एक लीटर मिल जाएगा, अगर तो 90 रुपए का 190 रुपए लीटर आया, क्या कहेंगे बताओ? देखो सरकार से कोई इशू नहीं है, सरकार बढ़िया है, बस ये महंगाई को कंट्रोल कर, अरे तो महंगाई कौन कम करेगा मेरे भाई? ये करेगी को राज्य सरकार करेगी, योगी जी करेंगे, जीएसटी लगाई महंगाई कम करो, जीएसटी लगाई उसका वसूल कर रहा है, टैक्स से ही करे महंगाई कम, टैक्स है जिस हिसाब से टैक्स ले रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्योंकि योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मतलब मैडम सबका साथ का मतलब क्या है? हाँ। सबका साथ का सबका साथ, गरीबों को अमीरों को सेम समझा जाएगा, तो समझा जा रहा है सरकार में, वो तो चल रहा है, गरीबों को राशन पहुंचा रहा है घर पे, वो तो सबका ही है, कोई भी सरकार आएगी वो विकास होगा, बाकी महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, एक यूनिट पे 5 किलो है, उसमें क्या नाम ले 4 किलो 4.5 किलो देते हैं, अब लाइट को ले लो, लाइट कितनी महंगी है? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक मिनट, किस मुद्दे पर वोट देंगे? वोट तो मैडम सब देखो, जो पार्टी अच्छा काम करती है उसी अच्छाई पे वोट दिया जाता है, ठीक है, तो आपने कहा योगी जी को वोट देंगे, आप किस अच्छाई पे? योगी जी जैसा विकास कर रहा है, इसे महंगाई को और कंट्रोल कर दे, विकास बताइए, दो विकास बताइए योगी जी का, योगी जी का एक तो ये हमारे यहाँ जो योजना चली थी, कौन सी योजना? ये जो क्या कहते हैं मकान बनाने की, वो मकान में अच्छे लोग बहुत लोगों का, कम से कम 300-400 कॉलोनियाँ बनी, वो लोग अपना घर भी नहीं बना सकते थे, उनको 2.5 लाख रुपए की सपोर्ट मिली, 2.5 लाख में मैडम बहुत अच्छा, 1 50 गज का मकान अच्छा बन जाता, एक फैमिली छोटी रहने के लिए बहुत अच्छा हो जाता, और क्या कहते हैं रोड वोड अच्छे हो गए हमारे यहाँ के सब सही।